खबर हल्द्वानी से है, जहां हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को पुलिस के लापरवाही से एक साथ जमानत दे दी है। बता दें कि पुलिस द्वारा जिस चार्जशीट को 3 माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, पुलिस उसे 4 माह के बाद भी पेश नहीं कर सकी, जिसके चलते निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को एक साथ जमानत दे दिया। जानकारी के मुताबिक बनभूलपुरा हिंसा के मामले में 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन मामलों में 107 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं इन तीनों मामलों की जांच सीओ रामनगर, सीओ भवाली और सीओ लालकुआं कर रहे थे। नियम के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन के भीतर पुलिस चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करनी होती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकी, जिसके चलते आरोपियों ने इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है, और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में UAPA लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में UAPA लगा था, और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस तर्क को स्वीकार करते हुए कि जो एक्सटेंडेबल भले ही 180 डेज तक है, लेकिन इनको बेल देने का आधार मानते हुए इनको बेल प्रदान की गई है।